देखिए मैम, ये मार्बल प्रिंट के अंदर बनाना है, जी डबल शीट के ऊपर शीट का काम है, डबल ये देखिए, मैं एक बार ये दिखा सारा देती हूँ, फाइन क्वालिटी वाला काम है, ये और देखिए। फिनिशिंग के साथ है, पूरा पीस है। फिनिशिंग ऐसा ही नहीं कि लगाते टाइम बालों में टकरा या निकालते टाइम बालों में हाँ, शेप्स वगैरह सब मिल जाएगी इसमें आपको, डिज़ाइन डिफरेंट ओके, डिफरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि ये बो बनी हुई है, बो के स्टाइल्स अलग अलग तरह के बोस मिल जाएगी इसमें आपको, ये ठीक है। और पूरा हैंडमेड काम हुआ है इस पर, सारा हैंडमेड काम है ये, वाह भैया, बहुत सुंदर लग रही है पूरा क्रिस्टल वर्क के साथ, ग्लास वर्क के अंदर भी जी। अवेलेबल है हमारे पास। गेट जी के ऊपर मेटल की फिगर लगी हुई है, ये 3D वाह, कॉम्बिनेशन मतलब वाला काम है, थ्री देखिए। एक कलर्स भी बहुत प्यारा है, ऑफ वाइट के अंदर है, ऑफ वाइट के साथ रेड का बहुत सुंदर लग कॉम्बिनेशन रहा है, है, इसमें टिश्यू के अंदर है, फ्लावर टिश्यू के ऊपर क्रिस्टल वाह वर्क का काम हुआ हुआ है, ब्यूटीफुल। स्मॉल साइज में शीट के ऊपर शीट का काम है, और लाइनिंग प्रिंटिंग में है शीट वर्क में, और शीट वर्क के साथ ऊपर ये ग्लिटर जी वर्क वाला काम हुआ है, और ग्लिटर भी इसका है, लेमिनेट है, ऐसे नहीं कि हाथ लगाने से आपके हाथ में टच, मेटल के वाह, ऊपर बहुत स्टोन वर्क वाला सुंदर लग रहा है भैया, हार्ट शेप में गाइस आप के अंदर मार्केट स्टोन वाला काम, मार्केट मेटल के ऊपर बो बनी हुई है, और सब एडी वर्क वाला स्टोन, मेटल के ऊपर शीट वर्क वाला काम, मेटल के ऊपर शीट वर्क, बो बनी हुई है रेमबो स्टोन के साथ। वाह भैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं हेयर एक्सेसरीज। आइए, आपका ज्यादा समय ना लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज आप हमारे व्यूवर्स को हेयर एक्सेसरीज में क्या कलेक्शन दिखाने वाले हैं? आज मैं हेयर एक्सेसरी में बनाना क्लिप्स एंड क्लचेस की ऑल वैरायटी दिखाने वाला हूँ। ओके, सो गाइज, आप देख सकते हैं, जैसे कि भैया ने बताया, आज भैया हमें दिखाने वाले हैं बनाना क्लिप एंड क्लचेस की ऑल वैरायटी, नई नई कलेक्शन आप दिखाने वाले हैं। ओके, आइए भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में जुड़े रहे गाइस देखिए मैम, ये मार्बल प्रिंट के अंदर बनाना है, जी। डबल शीट के ऊपर शीट का काम है, डबल शीटिंग वाला काम है, और ऐसे नहीं कि लगाने के बाद ये शीट अलग हो जाएगी, क्योंकि ये पेचिंग से लगी हुई है, ये ओके, ऐसे नहीं ये कि देखिए निकलने वाली गाइस, है, यूज़ करते टाइम निकल जाएगी, ये सारा फाइन क्वालिटी वाला काम है। इसमें आपको शेड्स वगैरह काफ़ी मिलने वाले हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, पर्पल है, पिंक है, हर तरह के ओके शेड ओके, आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, इसमें आपको डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट्स मिल जाएंगे, एक ये है फ्लावर के अंदर पैटर्न, जी एक ये बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया, ये बटरफ्लाई वाला पैटर्न है, बहुत पिंक सुंदर कलर, लग रहे ब्लू हैं, कलर, मतलब ब्राउन कलर कलर, हर कॉम्बिनेशन तरह के काफी कलर मिल मिलने जाएंगे वाले। इसमें आपको, ओके, और सारे रनिंग कलर है, ऐसे कलर नहीं है कुछ जो कस्टमर पसंद ना हाँ करे। जी, सो गाइज, आप देख सकते हैं, जैसे कि भैया ने बताया, बनाना क्लचर में हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए आप, बटरफ्लाई में अलग अलग शेप में हमें मिलने वाली है बनाना में, फ्लावर्स में, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शीट अलग हो जाएगी, राइट भैया? यस, पेच वाला काम हो रखा सारा है। मैं एक सारा बार, फाइन भैया एक क्वालिटी बार वाला इसको काम खोल है, के दिखाइए आप, ये देखिए मैं एक बार देखिए दिखा सारा देती हूँ, फाइन क्वालिटी वाला काम है, ये और देखिए, फिनिशिंग के साथ है, पूरा पीस है, फिनिशिंग ऐसे ही नहीं कि लगाते टाइम बालों में टकरा या निकालते टाइम बालों में टकरा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, सारा फिनिशिंग वाइज वाला काम है। ये देखिए गाइस, पेज के साथ इसका काम हो रखा है, ये देखिए, कोई फिनिशिंग के साथ भैया ने काम हो रखा है इस पे, जैसे कि भैया ने अभी हमें बताया, और फाइन क्वालिटी है, ये देख सकते हैं आप, मैंने हाथ में ले रखा है, और इनकी शाइनिंग जो अलग है वो अलग ही लुक दे रही है, मतलब लुक अप ब्यूटीफुल। नेक्स्ट दिखाइए भैया जैसे कि मैंने अभी आपको मार्बल प्रिंट के अंदर बनाना दिखाया, अब मैं जी दिखाऊंगा आपको वुडन प्रिंट के अंदर बनाना जी क्लिप्स, ये देखिए मैम, इसमें भी पैचिंग वाला काम है, ओके, ये भी पैचेस लगे पेच हुए हैं, वाला इसमें काम भी है ऐसे भैया, नहीं है, इसमें ये भी खड़ जाएगा, ये भी सब फाइन क्वालिटी वाला काम है, ओके और ओके, इसमें शीट के ऊपर स्टोन वर्क है, शीट के ऊपर स्टोन वर्क, देखिए गाइस, शीट के ऊपर स्टोन वर्क दे रखा है, और इसकी जो लुक बना रखा है, कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसमें भी आपको डिजाइन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाले हैं, इनमें भी इसमें भैया सभी के शेपें मिलने वाली हमें, हाँ शेप्स वगैरह सब मिल जाएगी इसमें आपको, डिज़ाइन डिफरेंट ओके, डिफरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि ये बो बनी हुई है, बो के स्टाइल्स अलग अलग तरह के बोस मिल जाएगी इसमें आपको, ये देख सकते हैं गाइस, बो के डिजाइन देखिए आप, और शेपे ये सारे अलग अलग है, वुडन कलर है, सारी वुडन कलर है सारे, ये अलग रनिंग अलग कलर शेप हैं में से, सारे, गाइस आप देख सकते हैं, भैया के पास सारे रनिंग कलर मिलने वाले हैं हमें बनाना क्लचर में, और शेपे अलग अलग मिलने वाली है, सबसे प्लस पॉइंट भैया का ये है कि शेपे अलग अलग मिलने वाले, जैसे आपने, मैंने आपको पहले दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये फ्लावर्स में, ये बटरफ्लाई में, और आप ये देख सकते हैं ये बो में, मतलब काफी अच्छी कलेक्शन है भैया के पास। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुई है, अभी और भैया नए नए पिटारे खोलने वाले हैं, राइट भैया? यस। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ फैंसी क्रिस्टल वर्क वाले बनाना क्लिप्स, ओके, ये देखिए पूरा क्रिस्टल वर्क है,
और पूरा हैंडमेड काम हुआ है इस पे, सारा हैंडमेड काम है ये। वाह भैया बहुत सुंदर लग रही है और ये। ऐसे नहीं है कि लगाने के टाइम ऐसा कुछ उखड़ने वाला है, ऐसा कुछ अच्छा होने ये वाला नहीं, उखड़ने सारा वाली कोई फाइन चीज नहीं है क्वालिटी पूरे सब क्या है, क्वालिटी टेस्ट से उतरे हुए हैं। जी, ऐसे नहीं कि लगाने के बाद बाल वगैरह इसमें अटकेंगे या फिर बाल वगैरह आपके टूटेंगे, मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है होने वाला नहीं है इसमें। और एक। कलर भी सारे इन्हें रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, पीच कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, कलर भी सारे रनिंग कलर है, हर ड्रेस के साथ आप वेयर कर सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया ये हैंडमेड में हमें बनाना क्लचर भैया दिखा रहे हैं। और ये देखिए मैं एक बार पास से आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि लगाने के बाद ये हेयर एक्सेसरीज हट जाएगी, राइट भैया। यस और पेच वाला काम है, सेम सब सेम सब में ही पेच वाला काम मिलेगा। और जैसे कि हम अपने बालों में वेयर करते हैं, बालों में लगाने में जैसे हम बनाना क्लचर लगाते हैं, नॉर्मल क्लचर्स क्या होती है हम वेयर करते हैं तो उसमें बाल अड़ जाते हैं हमारे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि बाल इसमें नहीं अड़ने वाले हैं। ओके भैया यस जैसे कि मैंने आपको अभी क्रिस्टल वर्क में दिखाया, अब ये पूरा क्रिस्टल वर्क के साथ ग्लास वर्क के अंदर भी जी, अवेलेबल है हमारे पास, कौन सा वर्क बोलते हैं मैं इसको, ग्लास ग्लास वर्क। वर्क देख ग्लास सकते वर्क हैं में गाइस, भी, इसमें ग्लास भी आपको वर्क शेड्स अलग अलग मिल जाएंगे आपको। है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी सारे मिलेंगे जी भैया। सारे अवेलेबल है हमारे पास कलर ओके कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्रिस्टल के स्टाइल भी चेंज मिल जाएगा आपको, क्रिस्टल का, बहुत सुंदर लग रहा है जैसे ये फ्लावर स्क्वायर के साथ क्रिस्टल, लॉन्ग क्रिस्टल, जी ड्रॉप क्रिस्टल, जी और एक इसी बारी तरीके गाइस मैं में आपको नजर करवा देती हूँ, देखिए शेप अलग अलग है काफी, इसमें कलर वही रनिंग कलर है, इसमें कोई जैसे सेम कलर होते बनाना में ब्लैक या व्हाइट हो गया, नहीं इसमें सारे रनिंग कलर भैया के पास मिलने वाले हैं। और ये देखिए सारे हॉट कलर है, ये देखिए मतलब भिन्न भिन्न रेंज क्या रहने वाली है, रेंज में इसमें 100 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है। 100 से स्टार्टिंग है। जी और ओके इसमें ओके हमारे पे 12 पीस की पैकिंग और 6 पीस की पैकिंग में अवेलेबल। जैसे ही कस्टमर कहता है कि हमें खाली वैरायटी बनानी है, पूरा बॉक्स नहीं लेना है, जी, हमारा कम बजट है, हमें कम बजट में हमारी वैरायटी बन जाए, तो हमने कस्टमर्स के लिए 6 पीस की भी पैकिंग है अवेलेबल हमारे पास। ओ देखिए। और ऐसा नहीं है कि 6 पीस की पैकिंग में कलर अवेलेबल नहीं होंगे, सारे कलर अवेलेबल है। ये देखिए अब बटरफ्लाई वाला डिजाइन है, मतलब भैया कस्टमर की सारी डिमांड रखी जाती है आपके जी पास। जी बिल्कुल। अभी तो सिर्फ जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये ओके सैंपल ओके से अभी मैंने 10-12 डिब्बे ही खोले, कम जी से कम जी इसमें 40-50 डिजाइन्स मिल जाएंगे आपको हर तरह के पैटर्न ओके में। ओके 40 से 50 डिजाइन मिल जाएंगे। ये गाइस आप देख सकते हैं भैया ने अभी जस्ट ये सैंपल दिखाए हैं, सैंपल ही इतने अच्छे हैं तो आगे भैया के पास कितनी वैरायटी होगी, कितने कलेक्शन होंगे, क्या क्या पिटा रहे हैं भैया खोल अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीडियम साइज के बनाना। अभी तक जितने भी मैंने बनाना दिखाया आपको जी बड़े साइज के लिए दिखाए हैं, और जी अभी क्या है, ये जो मीडियम बनाना दिखा रहा हूँ ये हल्के बालों के लिए, जैसे कस्टमर के बहुत हल्के बाल होते हैं जो उनके लिए है। ओके सो गाइस आप देख सकते हैं जैसा कि भैया ने बताया, भैया हमें दिखाने वाले मीडियम साइज में बनाना। और प्लस पॉइंट ये है जिनके हल्के बाल होते हैं, कस्टमर जैसे भैया के पास कई आते हैं राइट भैया, यस जिनके हल्के बाल होते हैं तो कहते हैं थोड़ी मीडियम बनाना और इस दिखाए बनाने में एक खासियत ये है कि शीट जी। के ऊपर मेटल की फिगर लगी हुई है, ये 3D कॉम्बिनेशन वाओ वाला काम है, मतलब 3 in 1 वाला काम हो रखा है गाइस एक्रेलिक आप देख प्लस सकते शीट हैं, प्लस मेटल मेटल फिगर। काफी अट्रैक्टिव पीस है ये देखिए, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। शीट के ऊपर कौन सा काम हो रखा है भैया, मेटल फिगर मेटल फीवर का काम हो रखा है शीट और के ऊपर। इसमें भी ये आपको देखिए डिजाइन गाइस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। मतलब इसमें भी शेप हमें मिलने वाली है अलग अलग, इन सब की रेंज क्या रहने वाली है। इसमें मैम आपका 75 से स्टार्टिंग हो जाती है। ओके जी एक बात मेरे रेंज क्या रहने वाली है। मैम इसमें 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है, 100 से लेके 250 तक की मेरे पे इसमें रेंज है, और इसमें भी आपको कम से कम 50-70 डिजाइन्स ओके अवेलेबल गाइस है मेरे पास। आप देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया इसमें रेंज काफी रिजनेबल है, भैया के पास 100 से लेके 250 तक रहने वाली है। और इसमें काफी कलेक्शन है भैया के पास, जैसे कि भैया ने बताया था पहले कि 40 से 50 डिजाइन भैया के पास अवेलेबल है, इसमें भैया के पास 60 डिजाइन अवेलेबल है, इसमें भी भैया के पास 50 से 70 डिजाइन अवेलेबल है। ये तो भैया ने सैंपल दिखाए हैं, मतलब सैंपल ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो आगे भैया के पास इससे अच्छी अच्छी डिफरेंट कलेक्शन हो गई। नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं भैया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लचेस, ओके नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस क्लचर। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लावर के क्लचेस। ओके ये देखिए फ्लावर्स के अंदर भी आपको अलग अलग शेड्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको अलग अलग डिजाइन्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये जी ग्रीटर वर्क के अंदर फ्लावर है, ये टिश्यू वर्क के अंदर फ्लावर है, ये जरी टिश्यू वर्क के वर्क अंदर फ्लावर है, और ये फैब्रिक वर्क के अंदर फ्लावर है,
मतलब उसमें भी लेक्चर में हमें डिजाइन्स आपको, काफी मतलब डिफरेंट है। हर तरह के डिजाइन्स अवेलेबल है फ्लावर वर्क के ओके अंदर ओके भी। गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भैया हमें दिखा रहे हैं क्लचर की कलेक्शन। ये देखिए मैम, ये कलर्स भी बहुत प्यारा है, ऑफ व्हाइट के अंदर है, ऑफ व्हाइट के साथ रेड का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है। है। इसमें कलर हर तरह के आपको मिलने वाले हैं, जैसे रानी कलर हो गया, पीच कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, पर्पल शेड हो गया, हर तरह के मतलब कलर अवेलेबल है इसमें। और क्वालिटी भी इसकी फाइन है, ये भी फाइन क्वालिटी वाला काम है। ऐसा नहीं है कि बालों में लगाते टाइम आपके बाल वगैरह इसके अंदर अड़के आ जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर। सो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि भैया ने बताया ये बटन के साथ क्लेचर वर्क हो रखा है, ये देखिए, और फाइन वर्क है ये देखिए, बिल्कुल फाइन क्वालिटी ये देखिए। मैं आपको ग्रिप ग्रिप भी इसकी, मतलब ग्रिप तो ऐसी नहीं ना भैया जैसे ग्रिप वगैरह में दिक्कत आती हो। नहीं, ग्रिप अच्छी है, सारा हमारे जितना भी हमारे जितने भी अभी तक मैंने प्रोडक्ट दिखाए सारे क्वालिटी जी, वाइज वाले हैं। और कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं गाइस, जैसे कि भैया ने बताया रानी कलर, ऑफ व्हाइट, मतलब काफी कलर इसमें मिलने वाले हैं, ड्रेस के साथ मैचिंग होने वाले हैं कलर। देखिए ये टिश्यू के अंदर है, फ्लावर टिश्यू के ऊपर क्रिस्टल वाओ वर्क का काम हुआ हुआ है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही भैया ये। इसमें शेड भी सारे रनिंग इसमें है भी अलग अलग शेड्स हैं, जी, टिश्यू वर्क में। टिश्यू वर्क कहते हैं इसको। गाइस आप देख यस सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये न्यू टिश्यू वर्क में क्लचर, ये देखिए मतलब कितना क्रिस्टल वर्क हो रखा है पूरा, और सेम कलर भी काफी अच्छे हैं इसमें भी, ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें काफी मिलने वाले हैं, और सारे रनिंग कलर है गाइस आप देख सकते हैं। वे इनमें रेंज क्या रहने वाली है? रेंज मैम इसमें 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 30 रुपीज़ से लेके 50 तक की रेंज है मेरे पास इसमें। ओके ओके 30 से लेके 50 तक की रेंज रहने यस, वाली है, 50 रुपीज़ की रेंज रहने वाली है रेंज भी इसके अंदर। काफी रिजनेबल है गाइस आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया रेंज जो है 30 से लेके 50 तक रहने वाली है, और मैं तो अभी भैया के पास से परचेस करने वाली हूँ भैया क्लचर, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, जो आपने बनाना दिखाई वो भी, और क्लचर्स में भी डिजाइन आपके पास काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट में आपको दिखाने वाला हूँ शीट के क्लेचर स्मॉल साइज में। ये ओके देखिए शीट में, ये स्मॉल साइज में शीट के ऊपर शीट का काम है, और लाइनिंग प्रिंटिंग में है, एक जी इसमें मार्बल प्रिंट में है। जी इसमें क्या आपको शेप्स अलग अलग मिलने वाली है, ओवल शेप हो गई, डी शेप हो गई, स्क्वायर शेप हो गई, डिजाइन इसमें काफी मिल जाएंगे, मतलब इसमें काफी शेपेज हमें मिलने वाली है। डिजाइन प्रिंट शेप्स हर तरह की इसमें मेरे पास अवेलेबल है। ओके 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 और ओके इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मीडियम साइज के क्लेचर, ये मीडियम साइज के क्लेचर है शीट वर्क में, और शीट वर्क के साथ ऊपर ये ग्लिटर जी, वर्क वाला काम हुआ है, और ग्लिटर भी इसका है लेमिनेट है, ऐसे नहीं कि हाथ लगाने से आपके हाथ में आ मतलब जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है भैया। होने वाला नहीं है इसके अंदर। ओके सो गाइस आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि नेल से हम अगर हम करें तो हट जाएगा, और इसमें ये बिल्कुल फाइन डिजाइंस, ग्लिटर हो और रखा है इसमें ये ये। डिजाइंस अलग अलग तरह के मिल जाएंगे आपको ये डिजाइंस देखिए इसके मैं अंदर। एक बार आपको नजर करवा देती हूँ गाइस, ये देखिए पास से अलग अलग शेपेज हैं इसमें, और डिजाइन और कलर हटके है एकदम, और और कलर्स ये भी सारे हॉट्स कलर है, हॉट कलर एक ये है लीफ के साथ, जी। लीफ वाओ वर्क बहुत फ्लावर्स के सुंदर अंदर, ये अलग अलग तरह के आपको इसमें डिजाइन्स मिल जाएंगे। है। ओके ओके अलग अलग डिजाइन इसमें मिलने वाले हैं हमें। इनकी इनकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? प्राइस मैम इसके अंदर 65 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, ओके और 150 तक की रेंज है इसमें, 65 से लेके 150 तक। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 65 से स्टार्टिंग है, 150 लास्ट, मतलब इनके बीच में रहने वाली है रेंज, मतलब काफी रिजनेबल प्राइस है। आपने बनाना दिखाई, क्लचर दिखाई, इनमें काफी आपने मुझे कलेक्शन दिखाई दी है। अब हमारे व्यूवर्स को आप क्या डिफरेंट कलेक्शन अब दिखाने इसमें जो वाले हैं? आपको भी डिफरेंट दिखाऊंगा, अभी तक क्या है मैंने जो आपको काम दिखाया है सब शीट वर्क के ऊपर दिखाया है, ओके शीट वर्क ओके क्रिस्टल वर्क। अब जो मैं आपको काम दिखाऊंगा क्लेचर के अंदर, वो दिखाऊंगा मेटल वर्क के अंदर, मेटल ओके वर्क के ओके ऊपर फैंसी काम, स्टोन वर्क वाला। मेटल वर्क आप वर्क दिखाने वाले हैं, उसके ऊपर स्टोन का वर्क। गाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि भैया ने बता दिया, अब नेक्स्ट भैया दिखाने वाले हैं मेटल के ऊपर क्लचर्स के ऊपर मेटल वर्क। ये स्मॉल साइज के अंदर हार्ट शेप में बहुत ही प्यारा एकदम क्लासिक लुक क्लेचर, मेटल के वाओ ऊपर बहुत स्टोन वर्क वाला। सुंदर लग रहा है भैया, हार्ट शेप में गाइज आप देख सकते हैं स्टोन वर्क में, और इसपे पर्ल पर्ल का भी काम हो रखा है, राइट भैया? पल प्लस स्टोन वर्क, वाओ बहुत सुंदर लग रहा है भैया ये वाला ये नॉर्मल स्टोन है, जी। ये और एक देखिए इसमें बड़े साइज के अंदर मीडियम साइज के अंदर मार्केस स्टोन वाला काम, मार्केट कौन सा स्टोन, मार्केस स्टोन। मार्केट स्टोन देख सकते हैं गाइस, कितना सुंदर लग रहा है पीस, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है भैया के पास। और ये मेटल के ऊपर बॉ बनी हुई है,
और सिर्फ एडी वर्क वाले स्टोन। ये देखिए एडी मैं वर्क आपको एक वाले बार ही कहाँ है पास इस से दिखा देती हूँ। एडी वर्क हो रखा है पूरा इस पे, अमेरिकन डायमंड जिसे कहा जाता है। ये देखिए वो वाला डिजाइन है। ये देखिए पे, और पूरी फाइन क्वालिटी है, और ऐसा भी नहीं है ऐसा कस्टमर के हाथ से कभी छूट जाता है तो जी स्टोन जी बाहर आ जाता है, इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके। तो गाइस देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। ये लाइक देखिए, देम और अब मैं दिखाती हूँ आपको जैसे हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है पीस, अगर गिर के अगर कुछ भी स्टोन वगैरह निकलने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको मैंने ट्राई करके दिखाई दिया है। नेक्स्ट दिखाइए भैया। नेक्स्ट, ये स्मॉल साइज में रेमबो शेड में ग्लास वर्क में। वाह बहुत सुंदर लग रहा है भैया। स्मॉल साइज देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, प्रिटी सा छोटा सा। ये देखिए भैया इसकी भी तो ग्रिप में कोई दिक्कत तो नहीं आने नहीं, वाली ग्रिप है में दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सब फाइन क्वालिटी वाला काम है। और जी? सबसे बड़ी खासियत ये सब ये लाइट वेट है, बहुत से होते जी हैं ना मेटल के अंदर हैवी वेट वाले होते हैं, वो जी फिर जी सरकते हैं, मतलब बालों में टिकते नहीं, वो इशू आता है, तो इसमें ऐसा कुछ जी आने वाला नहीं है, ये सब लाइट वेटेड काम है। ये गाइस देख सकते हैं आप, लाइट वेटेड का वर्क हो रखा है इस पे। मतलब देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हैवी होगा पीस, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट वेटेड वर्क है, बिल्कुल लाइट। देखिए मेटल के ऊपर शीट वर्क वाला काम, मेटल के ऊपर शीट वर्क, फ्लावर पैटर्न में। वाह बहुत सुंदर लग रहा है भैया। ये पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक इसमें एक डिजाइन्स और भी है, ये मोनालिसा वर्क, स्टोन प्लस स्टोन मोनाली, वर्क, वर्क प्लस वाह मोनालिसा। बहुत सुंदर लग रहा है भैया। ये जो मोनालिसा लगा हुआ है ना इसके ऊपर, इसके चार चांद लग गए बिल्कुल। मतलब अगर गाइस आप वेयर करोगे ना ये क्लेचर्स अपने हेयर में, तो आपके तो चार चांद लगने वाले हैं। और जो नेक्स्ट आपको देखेंगे, जो आपके रिलेशन में जो भी होगा आपको देखेंगे, वो बोलेंगे भाई कहाँ से लाए, मुझे भी बताओ, मैं भी परचेस करने वाली हूँ ये चीज। मतलब भैया बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है आपके पास। नेक्स्ट दिखाइए इसी में डिजाइन। नेक्स्ट ये है बटरफ्लाई के अंदर बारीक स्टोन में। वाह बहुत सुंदर लग रहा है भैया, बटरफ्लाई। अभी तक मैंने आपको जितने भी दिखाए हैं विदाउट हैंगिंग वाले, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हैंगिंग वाले। ओके ओके, हैंगिंग में क्लचर्स दिखाने वाले हैं। यस, हैंगिंग के अंदर ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, इसमें आपको डिजाइन्स डिफरेंट डिफरेंट्स मिलने वाले हैं। ये देखिए गाइस मैं एक बार पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बटरफ्लाई बनी हुई है, इसमें ये बो बनी हुई है रेमबो स्टोन के साथ। वाह भैया बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसकी प्राइस क्या रहने वाली है भैया? प्राइस में मेटल वर्क के अंदर स्टार्टिंग हो जाती है मेरे पास 55 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है, ओके ओके, और 250 तक की रेंज है इसमें मेरे पास। और ये एक हैंगिंग में ये मैंने आपको पीस दिखाया है, बहुत प्यारा पीस है, और पल वर्क, पल का पूरा काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, कोरल के मेटल के साथ ऊपर। वर्क हो रखा है। गाइस आप देख सकते हैं हैंगिंग वर्क में कितना सुंदर लग रहे हैं, और डिजाइन भी एक से एक हटकर है भैया के पास। और भैया इसमें जैसे कि प्राइस आपने बताया 55 से लेके 250 तक की रेंज। ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं भैया ने जैसे इसकी रेंज बताई है 55 से लेके 250 तक की रेंज में ही और रहने इसमें वाले मेरे हैं पे जैसे कि विदाउट हैंगिंग वाले दिखाए हैं, इसमें भी मेरे जी। पास 40-50 डिजाइन्स अवेलेबल है, और जब ओके मैं आपको ओके हैंगिंग वाले दिखा रहा हूँ इसमें भी मेरे पे 40-50 डिजाइन्स अवेलेबल है। ओके ओके, हर एक डिजाइन में 40 से 50 डिजाइन अवेलेबल है। ये जस्ट आपने सैंपल दिखाए हैं। यस ओके ओके भैया, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जी, जो हमारे साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं और जो न्यू जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो न्यू जुड़े हैं हमारे साथ कस्टमर, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसका हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ओके ओके पहले थोड़ा बहुत इशू आया था कि आपकी रेंज ज़्यादा है, ये जी ऐसी कुछ जी दिक्कतें आई थी, तो अब क्या जब हमारे पास गई, जब क्वालिटी चेक करी, तो अब ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है, कस्टमर के दोबारा रिपीट रिपीट ऑर्डर्स आने लगे हैं, तो इसके लिए मैं ओके okay. कस्टमर को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया कि जैसे पहले थोड़ी दिक्कत आई थी, बट वो अब दिक्कत नहीं आती। अब माल और मांगते हैं कस्टमर, रिपीट कलेक्शन मांगते हैं भैया से। तो भैया जो कस्टमर ऑर्डर देना चाहते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है? जो कस्टमर हमें ऑर्डर देना चाहते हैं वो हमारी शॉप पे विजिट करके भी ऑर्डर दे सकते हैं, और जो कस्टमर हमारी शॉप पे नहीं आ सकते, दूर है, वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल पे ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया, जो कस्टमर ऑर्डर देना चाहते हैं वो शॉप पे आके विजिट कर सकते हैं। जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे कॉल करके वीडियो कॉल के थ्रू माल परचेस कर सकते हैं। तो भैया एक बार ही आप अपना एड्रेस बता देंगे हमारे व्यूवर्स को?
मैम हमारा एड्रेस है 132 सदर बाजार कमल ज्वेलर्स। जैसे बहुत से कस्टमर को आने में दिक्कत होती है जी तो हम पिक्स भी करवा देंगे उन्हें, ओके ओके, पिकअप हाँ करने के लिए यहाँ से पिकअप आप करने के लिए स्टाफ हम भेज अपना बंदा देंगे, भेज देंगे उन्हें। ओके ओके। तो वाइज आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे पास ये, जैसे कुछ कस्टमर होते हैं सदर में है और एड्रेस नहीं मिल रहा है शॉप का भैया का, तो आप एक बार ही उस नंबर पे कॉल करें कॉन्टेक्ट नंबर पे, तो भैया यहाँ से स्टाफ को पिकअप करने के लिए भेज देंगे। ओके सो गाइज आप देख सकते हैं भैया ने एड्रेस तो बता ही दिया अपना, शॉप नंबर 132 कमल ज्वेलर्स, आइए माल परचेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन ना बजाना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.